हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने बात करेंगे क्लास सिक्स के एक्सरसाइज 1.2 के 11th क्वेश्चन के। ठीक है, 11th क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। 10th तक अपने कर लिए थे, अभी 11th क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, वैसे तो मैंने एग्जाम्पल करवा दिया था इसका, लेकिन फिर भी चलो एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो अपने ये देख लेंगे क्वेश्चन कैसा है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर। ठीक है, अपने को लिखना है डिस्टेंस दे रखी है अपने को। ठीक है, डिस्टेंस किसकी दे रखी है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्कूल है और एक स्टूडेंट का क्या है, हाउस है। ठीक है, उसकी अपने को डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो वो दे रखी है अपने को, कितने दे रखी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 km 875 मीटर। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1.875 km। ठीक है, ये भी देख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो km, ये यूनिट लगा रहा हूँ मैं km की, यहाँ km भी है और मीटर भी है दोनों, लेकिन यहाँ मैंने km क्यों लगाई, क्योंकि पॉइंट से पहले जो डिजिट होती है यहाँ मैन ले जाती है। ठीक है, उसकी अपने लगाई जाती है यूनिट, पॉइंट से पहले जो भी, मान लीजिए 1.3 रुपीज़ में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट से पहले ये डिजिट है 1, ये नंबर जो है उसके लिए रुपीज़ यूज में लिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में जो डिजिट आएगी, ठीक है, वो आएगी इसके बाद में जो यूनिट आती है, इसके बाद में रुपए के बाद में पैसा आता है। ठीक है, रुपए के बाद में क्या आता है, पैसा आता है, तो ये यूज में लिया गया पैसे के लिए 1.3। ठीक है, अब 1 तो मेन हो गया अपना, रुपए हो गया ये वाला। ठीक है, ये जो मेन यूनिट लगाई गई है अपनी, ये इसके लिए, इसके बाद का जो डिजिट है पॉइंट के बाद का, वो पैसे के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2.5 kg। ठीक है, अब ये तो है kg के लिए मेरा। ठीक है, अब kg के बाद में जो यूनिट आती है वेट में, वो आती है ग्राम की, सबको पता है। ठीक है, इस kg और ग्राम के बीच में कोई यूनिट नहीं है वेट के लिए, तो ये kg का और पॉइंट के बाद में ये ग्राम का। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब सुनना, 1 किलोमीटर 875 मीटर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मेरा मेन किलोमीटर के लिए, लेकिन किलोमीटर के बाद में जो यूनिट आती है डिस्टेंस के लिए, वो आती है मेरी मीटर की, तो ये यूज़ में होगा फिर मीटर। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से, अभी ये डिस्टेंस दे दी मेरे को, अब वो स्टूडेंट जो है वो घर जाता भी है, स्कूल जाता भी है, वापस घर आता भी है। ठीक है, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करता है, इसका डबल करता है ना। ठीक है ना, तो अपने डिस्टेंस होगी इसकी डबल, है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो डिस्टेंस निकलेगी, 1 डे की डिस्टेंस, क्योंकि वो स्कूल जाता भी है और वापस घर आता भी है। ठीक है, ये मेरे को एक साइड की डिस्टेंस दे रखी है, यानी स्कूल से घर की बोल दूँ या घर से स्कूल की बोल दूँ, वो ऊपर लिख रखा है इसने किसकी दी है, देखना ध्यान से, स्कूल से घर की दी है या घर से स्कूल की, मान लो सेम चीज़ है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ टू वेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ टू वे, ठीक है, टू वेज क्या होगी, जब मैं 1.875 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेरा टोटल डिस्टेंस जो आएगा, देखना ध्यान से कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस होगा मेरा, अपने को करना है 1.875 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मेरा आएगा 3.75 km। ठीक है, करके देख लेते हैं, चलिए 1.875 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो गया 2.5, जब मेरा होता है 10 का 0। ठीक है, कैरी 1, 2.7 जहाँ होता है 14 और 1 कैरी ऐड किया तो 15 हो गया,
ये 5 लगा दिया 15 का, ठीक है। 8 2 16 होता है, 16 और एक कैरी 7, कैरी 1, 2 1 2 और एक कैरी 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते थे ना पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब पॉइंट्स देखना, ऊपर जो डिजिट है उसमें 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, ठीक है। 3 डिजिट ले ली और उसके बाद में क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया 3 डिजिट से पहले, ठीक है। अब यहाँ भी मैं 3 डिजिट लूँगा और पॉइंट लगा दूँगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। जितने ऊपर वाले डिजिट से पहले पॉइंट है उतने ही नीचे वाले डिजिट से पहले पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो आया मेरा 3.750, अपने को 750 देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आया मेरा 750, 3750.750, ये होगी मेरी टू वेज की, है ना, दोनों की, जाने की भी और आने की भी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में देखना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ते जाओ साथ में और करते जाओ, ठीक है। अब आगे ये बोल रहा है, फाइंड दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, 6 डेज में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये है 1 डे की, है ना, एक दिन में इतना चलता है ये, ठीक है। किलोमीटर लगाना भूल गया मैं, किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये 1 डे की आ गई। अब 6 डेज की, ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 डेज, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए डी लिख दिया मैंने, ऑफ 6 डेज, ठीक है। अब 1 डे में इतना चल रहा है तो 6 डेज इतना ही ये 6 टाइम चलेगा, है ना, इतना ही ये कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा, मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो अभी मेरा कितना आएगा देखना ध्यान से, अभी जो वैल्यू आएगी करके देख लेते हैं इसको, यहाँ नीचे करके देख लेते हैं, ठीक है। 750 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर 7 डेज की पूछता तो 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इतना 7 टाइम चलता, ठीक है, 7 बार चलता ये। 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 5 से किया 30 आया, 30 का 0 कैरी 3, 6 को 7 से किया 42, 42 में 3 ऐड किया, 42 प्लस 3 45, और 45 का मेरा क्या आ गया, 5 आ गया, कैरी कितना रह गया, 4। अब 6 3 18 18 और 4 22, ऊपर डिजिट काउंट करो पॉइंट वाली, ठीक है, 1 2 3, नीचे वाली पॉइंट है ही नहीं, तो 1 2 3 1 2 3 ये लो पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 22 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर वाली है। पीछे से 3 डिजिट अपने को, 3 डिजिट अपने को मीटर में लेनी है, और 500 मीटर, ठीक है, 22 किलोमीटर 500 मीटर, 22.500 km, ठीक है। या आप लिख सकते हो इसको 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर, ऐसे अपने को करना है, ठीक है, ये हो गया अपना। अभी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखना ध्यान से इसको, अच्छे से करना है अपनी फिर नोटबुक में, ठीक है। अभी जो आगे अपना क्वेश्चन है वो है, ए वेसल दे रखा है अपने को, ए वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ करंट, ठीक है, एक पात्र है, एक, ठीक है, पात्र बोला इसने, एक वेसल है, ठीक है, उसमें दही है, ठीक है, उसमें क्या है, करंट है अपना, ठीक है। ए वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ करंट, हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, ठीक है, कैन इट बी फिल्ड। अब देखना ध्यान से, कर्ड, ठीक है, टोटल कर्ड कितना है अपने, टोटल कर्ड कितना है अपने पास में, मान लो अपने पास में 500 ml कर्ड है, ठीक है, 500 ml मान लेते हैं एक बार, ठीक है, वैसे करूँगा मैं ये क्वेश्चन, तो 500 ml, अब मैं बोलूँ 100 ml के, ये टोटल 500 है मेरे पास में, अब मैं बोलूँ 100 ml के मेरे को पैकेट फिल करने हैं, ठीक है, 100 ml के, तो कितने फिल कर दूँगा, इसमें कितना टाइम 100 है, ये पहले भी बताया था मैंने, इसमें कितना टाइम 100 है वो अपने को देखना पड़ेगा, यानी इसमें कितनी बार 100 बन जाएगा, इसमें 100 कितने टाइम है इसमें, वही तो होंगे ना मेरे पैकेट्स, है ना, तो 100 कितने टाइम, वो देखने के लिए अपने क्या करते हैं, डिवाइड, वैसे इसमें दिख रहा है 500 है इसमें, लेकिन वैसे आपका डिजिट बड़ी हो तो आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, 100 5 जा 500,
यानी 5 मैं पैकेट्स बना दूंगा 500 ml कर्ड के, 100 100 कैपेसिटी वाले, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, टोटल कर्ड अपने को 500 नहीं दिया, कुछ अलग दिया है, देखना ध्यान से वो कितना दिया है, देखना ध्यान से, अपने को दिया है 4 लीटर 500 ml, 4 लीटर 500 ml, मैं इसको लिख सकता हूँ 4.500 लीटर, क्योंकि मैन जो यूनिट है मेरे को ये लगानी है, मैन वाली यूनिट, ठीक है ठीक है, ये मैन के लिए हो गया, इसकी यूनिट लगती है, ठीक है। अब ये वाली, इसके बाद में जो लीटर के बाद में जो यूनिट आती है, ठीक है, वो आएगी, ठीक है, लीटर के बाद में जो यूनिट आती है वो है मेरी ml, ठीक है। तो 500 के लिए क्या यूज़ में लिया गया है, ml, ठीक है, वो लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से आगे, अब ये बोल रहा है इन हाउ मैनी ग्लास, पहले तो अपने को ये होना चाहिए कि इस टोटल जब अपने डिवाइड करते हैं तो ये पूरी टोटल यूनिट या तो लीटर में हो, ठीक है, या ml में हो, सारा का सारा, ठीक है। अब आगे अपने को ग्लासेस बनाने हैं 25 ml कैपेसिटी वाले, ठीक है। तो पहले तो इसको कम्प्लीटली ml में चेंज करो, आप लीटर में जब चेंज करोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, अपने डिवाइड पॉइंट में करेंगे तो दिक्कत होगी, आप इसको ml में कर लो, ठीक है, कम्प्लीटली ml में कर लो। अब एक बार ध्यान रखना, आप 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है, या ये यहाँ लिख दो या साइड में लिख देना, देखना बता रहा हूँ एक बार, इसको पहले चेंज करो, 4 लीटर 500 ml में है ये, ठीक है। अब 4 लीटर को जब मैं ml में कन्वर्ट करूँगा तो हर एक लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है, तो 4 लीटर में 4 times 1000 होगा, 4 times 1000 मैंने कर दिया, 4 times 1000 प्लस में 500 ml अपना है ही, ठीक है, ये तो अपना अपने को चेंज नहीं करना, ये तो अपना कन्वर्ट है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब 4 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 4000 प्लस में 500, ठीक है, और ये हो गया मेरा टोटली ml, ठीक है। और मैंने ये क्यों किया, आप ये साइड में लिख दो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, अपने को 4500 ml के अपने को क्या बनाने हैं, इसके पैकेट फिल करने हैं 25 ml के, इसके जब मैं 25 ml के ग्लासेस फिल करूँगा, पैक करूँगा, तो उसमें देखूँगा 25 कितना टाइम है, क्या देखूँगा 25 इसमें कितना टाइम है, तो इसको 25 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा, तो मेरी वो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अपने को करना है स्टैंड, अपने को क्वेश्चन में से ही उठानी है, ठीक है। ग्लासेस कैन बी फिल्ड ऑफ 25 ml कैपेसिटी, 25 ml कैपेसिटी, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं 4500 यानी 4500 को जब मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को पता लग जाएगा, यानी ऊपर वाले में 25 कितना टाइम आया है, ठीक है, 25 कितनी बार आया है, ठीक है। तो करना मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे, देखना डिवाइड करके भी दिखा दूँगा आपको मैं, यहाँ 4 ये लो, 25 बन जा 25, ठीक है। अब इसमें 20 रह गया, ठीक है, 20 रह गया तो ये जीरो में नीचे लेके आ गया, ठीक है। 25 को जब मैं 8 जार पर जाऊँगा तो 200 मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब ये जीरो रह गया यहाँ पे, अब ये जीरो यहाँ काम नहीं आएगी अपने, ये सीधी ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 180 ग्लासेस, ग्लास फिल करने थे ना अपने को, ठीक है, ग्लासेस, ये हो गया अपना 180 ग्लासेस मैं फिल कर पाऊँगा 25 ml कैपेसिटी वाले, ठीक है। तो ये अपना हो गया, और ये अपनी 1.2 आज कंप्लीट हो गई, कल अपने स्टार्ट करेंगे अपनी 1.3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।